अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब्जियां मार्केट में मिल नहीं रही है, लेकिन हमारे घर पे चने तो जरूर होंगे। चलो आज एक चने की अच्छी सी मस्त सब्जी बना दी जाती है। देखो अच्छे से पहले रात को भिगो के फिर सुबह उसकी कुछ सीटी ले लेंगे कुकर में, पहले एक फुल पे ले लेंगे, फिर आधे घंटे तक हम उसको सीटी अच्छे से लेंगे। अब देखते हैं सीटी लेने के बाद हमारे चने कैसे हो गए। देख सकते हो चने अच्छे से मस्त हो गए हैं। चलो अभी इसको अच्छे से हम किसी कटोरे में निकाल देते पहले, फिर इसका मसाला बनाएंगे हम। अब हम उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख सकते हैं। मैंने एक कांदा लिया हुआ है, फिर धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। ये मैंने चने ले ली, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हो चने अच्छे से मैश हो गए। चलो अब सब्जी बना देते हैं इसकी। गैस चालू करेंगे, अब हम इसमें तेल रखेंगे। अब हम तेल रखते हैं इसमें आधे टेबल, खाली हाफ टेबल स्पून बहुत है इसमें। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम इसका मसाला बना देते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने धनिया पाउडर लिया है, उसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक। धनिया पाउडर मैंने नियर बाई एक चम्मच लिया है। हमारा मसाला रेडी है। अब हम तेल में जीरा डालेंगे, फिर उसमें ये चॉप किए हुए कांदे डाल देंगे, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कांदे थोड़े से ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको करेंगे। देख सकते हो ये धीरे धीरे अभी ब्राउन होने आ रहे हैं, देखो होने लगे। अब हम इसके बाद हमने जो मसाला बनाया वो डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक इसका तेल ना आ जाए तब तक हम इसको करेंगे, ठीक है। देख सकते हो कितना अच्छे से मस्त तेल छूटने लग गया है। अब हम इसमें हम चने डाल देंगे हमारे, और हमारा जो पानी था इसी जिसमें हमने चने बॉईल किए थे वही पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि पूरा प्रोटीन पूरा अपना कैल्शियम सब उसमें अच्छा खासा रहता है, हम वही डालेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, और खाली इसको जब तक बॉईल आ जाए तब तक हम इसका वेट करेंगे। देख सकते हो अभी आप कि धीरे धीरे बॉईल आने लगा है इसमें। आप देख सकते हो बॉईल आ गया, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब इसको किसी के भी साथ, जैसे हम रोटी के साथ आप खा सकते हो इसको। चलो बाय फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वापस आपको अभी।